नमस्कार, मैं महेश पांडे। आप लोग का स्वागत है मेरे इंस्टाग्राम लाइव में। और ये वीडियो भोजीवुड एंटरटेनमेंट पर भी आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि इस लाइव के बाद वहां पर भी अपलोड होने वाला है यूट्यूब चैनल पर, भोजीवुड एंटरटेनमेंट चैनल पर। ठीक है, तो यहां पर हमारे साथ में अभी जुड़ने वाली हैं नेपाल की फेमस टिकटॉकर, जो अब इंडिया में भी फेमस हो चुकी हैं काफी ज्यादा, और खेसारी लाल यादव जी की जबरा वाली फैन, और आज के डेट में टैटू गर्ल के नाम से भी काफी ज्यादा विख्यात हो चुकी हैं सौम्या पोखरेल जी। तो सौम्या पोखरेल अभी हमारे साथ में जुड़ने वाली हैं और उनसे बातचीत करेंगे, काफी मजेदार रहेगा। पहली बार किसी लड़की ने किसी भी स्टार का टैटू फेस अपने हाथ पे गुदवाया और काफी ज्यादा चर्चा में है। तो चलिए हम सौम्या पोखरेल जी को जो है वो लाइन पे लेते हैं, ऐड करते हैं। शायद अभी रिक्वेस्ट नहीं आया है जी, रिक्वेस्ट अभी नहीं आया। सौम्या पोखरेल जी रिक्वेस्ट डालिए। हाँ, या तो शायद कमेंट सौम्या खेसारी, 1 मिनट, यही क्या? हाँ ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपके नाम के ऊपर क्लिक तो मैं कर रहा हूं। ऐसा करते हैं ना, जब ज्वाइन आप करते हैं ना, जब मतलब लाइव देखना स्टार्ट करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, रिक्वेस्ट डालने का। तो आप वहां से रिक्वेस्ट अगर डालेंगे तो मुझे डायरेक्ट दिखेगा। हाँ ठीक है, आ गया आ गया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? सौम्या पोखरेल जी, मैं ठीक स्वागत है हूँ। आपका हमारे लाइव में, और चारों तरफ आप ही आप अभी नजर आ रही हैं। सेकंड सेकंड में आपका ही न्यूज़ यूट्यूब पर अपलोड होता रहता है। आज के डेट में पूरा वायरल हो चुकी हैं आप, कैसा फीलिंग है ये? मेरे लिए तो बहुत अच्छा फीलिंग है, क्योंकि मैं सोची नहीं थी कि सारी जी से मिलूंगी और मिलने के बाद अचानक से इतना वायरल हो जाऊंगी। बहुत ज्यादा, मतलब लोग तरसते हैं ये इस तरह का चर्चा में आना, मतलब आप समझ सकते हैं स्टार बन चुके हैं आप। और आपका जो भी अभी अपडेट यूट्यूब पर आता है वो लाखों में व्यूज जाते हैं, हजार में जी नहीं रुकता, वो लाखों में ही व्यूज जाते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कहीं ना कहीं खेसारी जी से मिलने के बाद आपको मिला है। तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहली बात। थैंक यू सो मच। वो तो सब आप लोग का प्यार है और आशीर्वाद है। अभी तक आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ पर होती भी नहीं, जो आप लोग जी इतना जी जी सपोर्ट कर रहे। नहीं, आप पहली लड़की हैं, पहली लड़की हैं जिसने किसी स्टार के लिए, मुझे लगता है बॉलीवुड में भी किसी स्टार के लिए किसी लड़की ने शायद उसका फेस का टैटू बनवा लेना अपने हाथ के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, आज से पहले नहीं हुआ था। जो आपने किया है, कुछ अलग किया है, कुछ डिफरेंट किया, खेसारी लाल यादव जी का टैटू बनवाया अपने अपने। एक बार टैटू दिखाइए सबसे पहले। टैटू गर्ल के नाम से भी आप फेमस है आज के डेट में। ये देखिए देखिए, ये ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी का टैटू, परमानेंट टैटू है ये, जो कि अपने हाथ पर गुदवाया है सौम्या पोखरेल जी ने। कमाल कमाल कमाल। तो सौम्या पोखरेल जी, टैटू अब आपके हाथ में है, खेसारी जी हर वक्त आपके साथ हैं, आपको कैसा, ये मतलब कैसा एहसास है? मेरे लिए तो एक, आप लोग के, मैं बताऊं कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। और मेरे लिए गोल्ड मेडल है, जो गोल्ड का मेडल हमको मिल रहा है। खेसारी जी के साथ काम करने के लिए बड़े बड़े स्टार सोचते हैं, जो जिनके पास बहुत हुनर होता है। हम तो अभी सीख रहे हैं, तभी हमको एक मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात हुआ, जो मैं कभी सोची भी नहीं थी उस चीज को। जी, सही बात है। और फिर टैटू बनवाया, उसके बाद आपको मिलने का भी मौका मिल गया। सौम्या पोखरेल जी, मैं आपसे एक सवाल यहाँ करना चाहूंगा कि कुछ जी लोगों जी ने कहा है कि सौम्या पोखरेल को कुछ नहीं, एक आध लोगों ने यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बनाया था कि सौम्या पोखरेल को खेसारी लाल यादव ने पैसा दिया टैटू बनवाने के लिए। ठीक है, तो
उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनसे मैं पहली बार मिली हूँ, और मेरे पास 3500 में ये टैटू बनाया हम लोग का, नेपाली 3500 में, उतना मेरे पास पैसा था, मैंने बनाया वो नहीं दिए है, और जो भी ये सोच रहे हैं कि खेसारी जी ये पैसा देके टैटू बनवाया तो वो गलत सोच है, क्योंकि खेसारी जी वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। नहीं, कुछ यहाँ पर बेवकूफ लोगों की कमी नहीं, और कुछ हेटर्स भी होते हैं, कुछ तो बेवकूफ होते हैं, कुछ हेटर्स होते हैं वो जो जलने वाले जानबूझ कोई करके। नहीं होंगे जो खेसारी जी से जलते होंगे, ये एक किसी लड़की ने उनका सपोर्ट में, चाहे किसी लड़की इतना बिग फैन है कि टैटू बनवाए, वो जल के ऐसे बोल सकते हैं, गलत बात है। जी, सौम्या जी, आप टिकटॉक में कितना दिन से आप मतलब एक्टिव हैं नेपाल में, और कब, कितना दिन पहले से आप फेमस हुई नेपाल में टिकटॉक में, क्योंकि आप टिकटॉक टिकटॉकर हैं नेपाल में के? मैं ज्यादा से ज्यादा यही 14 महीना 15 महीना हुआ जो ये आईडी मेरा चालू है, तो अभी मेरा अच्छा खासा फॉलोअर्स भी है और लाइक भी है। बहुत जल्द हाँ टिकटॉक में मैं हमको सपोर्ट मिला था नेपाल में। तो मतलब 1.5 साल, कितना बताया आपने, 1.5 साल के आसपास लगभग आपके हो रहे होंगे, जी, 12-13 1.5 साल में, 1.5 साल के से। आसपास। तो 1.5 साल से आप, लेकिन खेसारी जी से मिलने के बाद आपका फॉलोवर मैंने देखा अभी 6 लाख कुछ था, 6 लाख कुछ। लेकिन खेसारी जी से मिलने से पहले, या खेसारी जी का टैटू बनाने से पहले आपका फॉलोवर कितना था, और इस बीच में कितना बढ़ा? मेरा खेसारी जी से मिलने से पहले 5,55,000 56,000 फॉलोअर्स था, और उनसे मिली तो अभी 4-5 दिन हुआ, 6-7 दिन, तो तब से मेरा फॉलोअर्स अभी 6,20,000 हो गया है अभी। वाओ, मतलब काफी जल्दी फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं, उसके बाद में अब आपका मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियन में व्यूज जाने लगा है आपके वीडियो, टिकटॉक वीडियो का स्क्रीनशॉट आया पहले था मेरे भी पास। फिल्म में थोड़ा बहुत जाता था, कोई कोई वीडियो मेरा पहले भी गया, लेकिन अभी झट से चला जा रहा है। जो उनके साथ वीडियो है वो 1-2 दिन में ही मिलियन। उस दिन तो मैं खेसारी जी के साथ एक की थी जो रील वीडियो, उसमें तो 7 घंटा में 1 मिलियन व्यूज और 96K लाइक गया हुआ था। मतलब ऐसा ये पहली बार हुआ था आपके साथ जी, इतने मेरे कम साथ टाइम ये में? पहली बार हुआ था। मतलब किस्मत का बदलाव कह सकते हैं इसको, ये जी एक टर्निंग पॉइंट है आपके लिए। जी, तो आप टिकटॉक वीडियो जो बनाती हैं, तो आपके जो ऑडियंस हैं वो किस लैंग्वेज वाले हैं ज्यादा, भोजपुरी वाले, या फिर नेपाल में आप हैं तो नेपाली लैंग्वेज वाले, या फिर कैसा वीडियो आप बनाती हैं टिकटॉक में? हम तो मतलब यहाँ पर तो हम भोजपुरी बनाते हैं ऐसे, नेपाली हमको उतना, मतलब नेपाली में उतना अच्छा, जैसे भोजपुरी में एक्टिंग कर लेते हैं वैसे नेपाली में नहीं कर पाते हम नेपाली हैं, नेपाल से ही है, लेकिन हमको भोजपुरी पसंद है, भोजपुरी में एक्टिंग भी अच्छा करना आता है हमको। नहीं, अच्छा करते हैं आप। आपका अभी एक रील आपने खेसारी जी का गाना पर बनाया था, 2-3 रील जो मैंने अपलोड किया था येलो ड्रेस में, ठीक है, जी एक देवरा डाले दलानी में, वो रील तो गजब था, ठीक है ना, बहुत ही लोगों ने पसंद किया उस रील को। मैंने यूट्यूब के स्टोरी पर भी लगाया है, और स्टोरी पर बहुत अच्छा खासा व्यूज मिला है, आप लोगों को नहीं दिखेगा, वो मुझे दिखेगा, व्यूज मुझे ही दिखता है सिर्फ, तो बहुत अच्छा खासा व्यूज मिला है और बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ है। उसके बाद आपने बनाया था बवाल करेंगे गाना पर भी रील, कई सारे गाने पर बनाए, तो आप बहुत अच्छा, आपका एक्सप्रेशन है बहुत ही कमाल का है, शानदार है, सुपर, तो अच्छा बनाते हैं आप, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि खेसारी जी को आप कितने समय से फॉलो करती हैं, और फैन आप खेसारी जी कितने दिन से, आप फैन है खेसारी जी का? खेसारी जी का तो मैं अभी 21 साल की हूँ, और मैं जब 10-11 साल की थी तब से उनकी फैन हूँ मैं, अभी से नहीं हूँ। उनका जो मेरे मेरे घर पे, मेरा घर नेपाल में, तो यहाँ भोजपुरी मेरे घर पे उतना नहीं सुनते थे कोई भी, लेकिन मैं भोजपुरी की दीवानी हूँ, तो मैं उनका ही सॉन्ग सुनती थी, उनका ही वीडियो फिल्म देखती थी। मैं कितना बार मार भी खाई अपनी दीदी से कि तू क्यों भोजपुरी गाना सुनती है, ये अच्छा नहीं होता है, ये नहीं होता है। बोले हमको अच्छा लगता है ना, और किसी का नहीं देखते थे, खेसारी जी, हमको और किसी का मतलब नहीं है, हमको खेसारी जी का गाना अच्छा लगता है, उनका एक्टिंग अच्छा लगता है, उनका डांस अच्छा लगता है, तो हम देख रहे हैं। तो मेरी दीदी कितना बार हमको मारी भी है कि पढ़ने टाइम में ऐसा ऐसा सॉन्ग सुनती है, तो हम बोले इसमें खराबी क्या है।
तो खेसारी जी की, खेसारी जी में वो कौन सी अच्छी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, जिसके वजह से आप इतना बड़ा फैन है कि आपने टैटू बना लिया? खेसारी जी का हम एकदा यूट्यूब वगैरह में भी देखते थे, वो गरीब को बहुत सपोर्ट करते हैं और वो इस इधर उधर के चीज में ज्यादा नहीं रहते, अपना मेहनत करते हैं। और उनका गरीबी जो जिस तरह से वो झेल के वहां पर अभी स्ट्रगल करके जहां पर वो है, तो हम लोग उनको देख के बहुत कुछ सीखते हैं। उनका जो स्ट्रगल है, जो जिस तरह से वो पहले भैंस चराते थे और उनके पापा हम बोल भी नहीं पाते, उनकी स्टोरी देख रहे तो हम बहुत रोए थे उस समय। उनके पापा दूध जी 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 बेचते थे और हम भी उतना ही स्ट्रगल किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रगल नहीं की हूँ, मैं भी बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ पर पहुंची हुई। तो उनका वो सब स्ट्रगल देखते थे तो बहुत मतलब मन में अलग सा फीलिंग आता था कि हाँ सबसे अलग ये है, सबसे अलग है और सबसे ज्यादा अच्छे भी है, मेहनत करते हैं, सबसे अलग गरीब का कितना देखते हैं। वो बोले हैं खुद एक स्टेज शो में कि जितना वो कमाते हैं उससे उसका 40% वो गरीब में दान करते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो इंसान कैसा होंगे। मतलब बहुत ही बढ़िया से आप फॉलो करती हैं, बहुत ही बढ़िया से, एक एक बात आपको पता है कि कब केसरी जी ने क्या जी, बोला था। उनका वो सबसे पहले उनका वो सुने थे कि उनका जन्म जब हो रहा था, उनका घर टूट गया था और वो दूसरा का घर में जन्म हुए थे उस समय। तो मैं कितना रोई थी, हमको खुद पता, अकेले रूम बंद करके बहुत रो रही थी कि ऐसा भी होता है और वो इंसान आज इस जगह पर है जहां पर कोई नहीं जा सकता। जी, जहां पर कोई नहीं जा सकता, आपने स्टेज पर भी बोला था और भी बाकी हमने सुना है कि आपने, आपके आपने कहा कि खेसारी लाल यादव सबसे बड़ा स्टार है हम भोजपुरी सब का। पब्लिक के सामने भी बोले उनके जैसा कोई नहीं है, हमको कोई गाली दे चाहे कुछ भी करे हम उनको मानते हैं। और मैं ये टैटू के कारण आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत गाली सुन रही हूँ, अभी भी हमको बहुत गाली दे रहे हैं, लेकिन हम इसको मिटकाने वाले नहीं है। कोई भी हमको कितना भी गाली दे दे तो देखिए, टैटू बनाने के बाद गाली देने का दो रीजन हो सकता है। एक तो जी इसलिए जो कुछ आपके हेटर्स होंगे, कंपटीटर टिकटॉकर्स, ठीक है ना, जी तो टैटू बनाने के बाद आप बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, जी नेपाल में आप ट्रेंड भी कर रही हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है। एक रीजन जो खेसारी जी के हेटर्स, एक आपके हेटर्स जो कि नेपाल में थे, खेसारी जी जी के कुछ हेटर्स जो इधर थे, कि आपने कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि किसी लड़की ने टैटू बनवाया है अपने हाथ में, ये सबके बस की बात नहीं है, परमानेंट टैटू बनवा लेना किसी किसी का भी, किसी गैर का नहीं बना सकते अपने हस्बैंड के अलावा। ऐसे बहुत सा सवाल आ रहा है कि सौम्या को कुछ नहीं आता है, वो उसको कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, आप लोग जिस दिन हम काम करेंगे उस दिन पता चलेगा ना हमको क्या आता है क्या नहीं आता है, अरे कि बहुत क्या अच्छा आता है करते आपका, हैं। आपका एक्सप्रेशन वगैरह कमाल का है, हमने देखा है। अच्छा, ये जब आपने बोला था कि सबसे बड़ा स्टार खेसारी लाल यादव, तो कुछ जी हेटर्स लोगों ने आपको कॉल उल किया होगा, मैसेजेस किए होंगे, ये कैसे, मतलब क्या? बहुत किए थे, हम सब प्रूफ भी अभी भी रखे हुए हैं, हमको क्या क्या बोले, कैसे कैसे गंदे गंदे वीडियो भेजे थे, हमको ब्लैकमेल किए थे, वो सब हमारे पास अभी है। तो लेकिन क्या बोले, वैसे लोगों को हम क्या बोले जो किसी को बहन का किसी को मम्मी को इज्जत नहीं कर सकता, तो वैसे लोग को हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, आपसे अभी मैंने देखा कि इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग आते हैं और आपसे जी जबरदस्ती कहते हैं कि आप मानो कि कोई और स्टार है, फलाना स्टार है, वो बड़ा स्टार है। हाँ खेसारी जी, खेसारी जी, आप खेसारी जी की फैन हैं, खेसारी जी का टैटू बनाई है, लेकिन वहां पर किसी और स्टार को ला करके कोई घुसाना चाहता है। तो ऐसे लोगों को जो आपसे इंटरव्यू लिए हैं या नहीं लिए हैं, तो लेने वाले हैं, आप उनको क्या मशविरा देना चाहेंगे, क्या बताना, क्या बोलना चाहेंगे कि ये चीज मैं भी बोलने वाली थी उन लोग को। जब मैं खेसारी जी को इतना मतलब बिग फैन हुई, इतनी जब हाथ पर उनका टैटू है, तो आप वो सवाल क्यों करते हैं हमसे, हमको गुस्सा आता है वो सवाल से। आप दोबारा हाँ, ऐसे सोच ही नहीं सकते कि हम किसी दूसरे स्टार को यहाँ पर रखें। मतलब ऐसे बेवकूफ लोग, ऐसे गधे टाइप वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी फैन है कि टैटू बनवा ली है हाथ में, तो आप चू सॉरी ऐसे लोगों के लिए निकलता है थोड़ा सा, तो सॉरी अगर
किसी को थोड़ा सा निकल रहा था कुछ, जो मैंने कंट्रोल कर लिया। तो ऐसे बेवकूफ लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सवाल ना किया जाए सौम्या पोखरेल जी से, क्योंकि सौम्या पोखरेल जी खेसारी जी की बहुत बड़ी फैन है, और खेसारी जी के अलावा किसी और के बारे में सवाल ना किया जाए। सबसे पहली बात ये गलत है। हाँ हम भी यही तो बोलते थे कि मेरा अभी भी कोई आए हुए थे तो कोई बात बोल रहे थे कि इधर उधर हम नाम नहीं लेना चाहेंगे यार लाइव में उनका, लेकिन उनको क्यों नहीं पसंद करें, उनके साथ ये मिला तो करेंगे, नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोलते नहीं करेंगे। जब हम खेसारी जी को सपोर्ट करते, उनके बिग फैन है, जो चीज उनको पसंद नहीं है वो चीज हम कैसे कर सकते हैं। जी, सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो खेसारी जी से जब आप मिले थे तो आपने रोना स्टार्ट कर दिया था। खुशी से वो फर्स्ट टाइम आप मिले थे और इतना मतलब आप रोने लगे थे कि कोई शायद ही कमजोर दिल वाला देखे तो वो भी मतलब रोने लगे। जी, तो वो कैसा एहसास था आप, मतलब जब खेसारी जी को पहली बार आप मिले तो कैसा वो सिचुएशन कैसा था वहां पे? मैं तो अभी भी रोने लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना खेसारी जी को, मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, अगर मेरे सामने होते तो हम सुबह रोज उठ के नहा धोवा के उनका पूजा करते हैं, हम इतना अरे वाह, मानते हैं, नहीं नहीं क्योंकि लग रहा उनको है, लग रहा है, लग रहा है। बहुत मानते हैं, हम एक दिल से सपोर्ट करते हैं, दिल से एक बिग फैन है, एक दिल से अन्य यहाँ से कनेक्शन है उनके लिए, कि लगता है कि कुछ पिछले जन्म में मेरे घर के ही थे कुछ इस तरह से। जी, खेसारी जी ने आपको स्टेज पर उतने पब्लिक के बीच में लोगों से सवाल किया कि क्या करूं सौम्या पोखरेल के साथ, एक जी गाना, क्या इसको कोई गाना में काम दूं या मूवी कराऊं, तो वो कैसा मतलब एहसास था उस वक्त का, सिचुएशन क्या आपके माइंड या दिल में क्या चल रहा था उस टाइम में, या फिर कैसा फीलिंग था वो, उस थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिए। उस समय लग रहा था मैं कोई सपना देख रही हूँ, सो रही हूँ। ये सच नहीं हो सकता कि खेसारी जी हमको ऐसे बोल रहे हैं, मैं सो रही हूँ, ये सपना ही है, थोड़ा देर के लिए वैसा लगा। और सब लोग बोले, वहां जितने पब्लिक थे बहुत लोग वहां से बोल रहे थे कि उसको फिल्म में लिया जाए, तो हमको इतना मतलब लग रहा था, हम तो ये सोचे थे कि खेसारी जी से सिर्फ मिलेंगे, ये नहीं सोचे थे उनसे काम करने का मौका भी मिलेगा। जी, अभी अभी मतलब हम YouTube के वीडियोस के कमेंट बॉक्स में हम लोग देखते हैं कि खेसारी जी के बहुत सारे फैंस बोलते हैं कि सौम्या पोखरेल जी के साथ में काम कीजिए, जल्दी कुछ देखते प्रोजेक्ट आना चाहिए। सब देखती हैं आप, कमेंट्स देखती हैं कभी टाइम मिलता होगा हैं, तो? हम सब देखते हैं, आप वीडियो अपलोड जितना भी करते हैं हम सबका कमेंट पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि इतना सपोर्ट मिल रहा है। काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आता होगा ना ये जी सब देख बहुत करके। ज्यादा, जितना यहाँ हमको ट्रोल कर रहे हैं, अभी गालियां दे रहे हैं, वो सब सपोर्ट देख के सब भूल जाते हैं। खेसारी जी के साथ में मतलब जैसे अभी काम, जैसे मूवी के लिए आपको पता है खेसारी जी ने बोला है कि हम काम देंगे मूवी में, तो आपको जी कुछ उनके तरफ से मशविरा सलाह भी आया होगा कि आप कुछ सीखो या कुछ ध्यान दो अपने ऊपर या कुछ ऐसा जी कुछ? हमको बोले कि डांस सीखो, तुम थोड़ा अच्छा से डांस सीखोगी तब ना अच्छा कर पाओगी। हम मतलब अभी तक ऐसा कुछ किए नहीं कि डांस उसमें करना पड़े, लेकिन थोड़ा सा मेरा डांस भी कमजोर है, क्योंकि हम अभी 3-4 महीना से डांस क्लास भी जा रहे थे, मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया था तो नहीं जा रही हूँ, अभी 1-2 महीना गई थी, वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। और किस कोई कुछ भी हो, लेकिन एक सॉन्ग ही हो तो क्या, मतलब एल्बम ही हो, लेकिन हमको करना है खेसारी जी के साथ, सबका मुंह बंद हो जाएगा उसके बाद, हमको जितना नेपाल में आपके ही जो हेटर, नेपाल में जो आपके हेटर्स हैं, टिकटॉकर हेटर्स तो जरूर होंगे, जो कंपटीटर थे पहले लेकिन अभी वो हेटर बन चुके हैं, या फिर इसलिए ताकि आप थोड़ा सा फेमस हो गई, तो उन लोगों को क्या मशविरा देना चाहेंगे, उन लोगों को क्या आप ऐसा आपका। मैसेज देना चाहेंगे कि वो हेट ना करें आपसे, या फिर आपसे ना चिढ़ें, या क्या करना चाहिए उनको, हम या यही मतलब? बोलना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग भी इसी जगह से, हम भी इसी जगह से, हम आगे बढ़े तो आप लोग का भी नाम होगा, हमारा नेपाल का भी नाम होगा, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का भी नाम होगा, कि किसी कलाकार आगे बढ़, किसी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कलाकार आगे बढ़ता है तो
उसका भी नाम होगा, तो आप लोग हेट ना करें सबको। आपका भी किसी दिन मौका मिलेगा उस जगह पर जाने का, तो हम लोग भी उस जगह उस समय आप लोग को सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं? आज मेरा मौका है तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। किसी दिन आप भी उस जगह पर जाएंगे तो हम भी आपको वहां पर सपोर्ट करेंगे, वही बोलना चाहेंगे हम। नहीं, सही बात है। देखिए, अभी पहली बार किसी का नेपाल के टिकटॉकर के तरफ ध्यान आकर्षित हुआ है, इंडिया वालों का पहली बार, सौम्या पोखरेल के वजह से। भोजपुरी इंडस्ट्री से डायरेक्ट बुलावा आया काम के लिए, तो भैया आप लोगों के लिए रास्ता बनाया है सौम्या पोखरेल ने, आप लोगों के लिए रास्ता बना है। आप लोग खुश रहिए, खुश हो जाइए, आप लोग गर्व महसूस कीजिए, प्राउड फील कीजिए सौम्या पोखरेल के ऊपर कि आपके वहां से एक टिकटॉकर ने कुछ तो ऐसा किया, कुछ तो ऐसा था इस टिकटॉकर के अंदर में कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री का टैटू बना करके, ये गुमनाम भी हो सकती थी, लेकिन टैटू बनाई तो लोगों को नजर भी आया कि हाँ हम बना यह एक टैटू। बात बोलना चाहते हैं, ठीक है? मेरे हाथ में टैटू है, मेरे हाथ में टैटू, अगर मेरे पास कुछ हुनर नहीं है, कुछ गुण नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या खेसारी जी अपना फिल्म में या एल्बम में लेके हमसे क्या क्या करेंगे? वहां पर रख के पूजा कभी भी थोड़ी काम नहीं करेंगे, करवा काम सकते अगर अगर इनको काम कुछ भी करने नहीं के लिए आएगा। वहां पर बुलाएंगे, है कि नहीं? तो हम जब वो चीज कर ही नहीं सकते तो आप वहां पर बुला के भी क्या करेंगे? राइट राइट। तो इस इनमें अच्छा, हुनर है, लेकिन आप लोग मत चिढ़िए कोई भी, आपकी आपके वहां की टिकटॉकर है नेपाल की, आप लोगों के लिए रास्ता बनाई है, आगे आप लोगों को भी मौका मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का ध्यान नेपाल के टिकटॉकर्स के तरफ आकर्षित हुआ है इस बार, और पहली जी बार हुआ है, और कारण सौम्या पोखरेल है। तो आप लोग खुश हो जाइए और सौम्या मेरी पोखरेल को जगह आप लोग पर सीनियर अगर कोई मानिए। भी होता, मेरी जगह पर अगर कोई भी होता, मैं अपना क्या बोलू, किसका मतलब, कसम से बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश होती, क्योंकि हमारे नेपाल से कोई आगे बढ़ रहा है तो हमारे लिए वो गर्व का बात है कि हमारे नेपाल का कोई आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सौम्या पोखरेल आगे बढ़ गई तो दूसरी वाली हताश हो गई, अरे यार मैं तो बर्बाद हो गई, वो आगे बढ़ गई, वो आगे बढ़ी तो आप क्यों बर्बाद हुई? अगर सौम्या आप पोखरेल भी आगे बढ़ी तो आप आ बर्बाद कैसे हो सकते सकती हैं? हैं ना इस जगह पर, आप भी आ सकते हैं ना इस जगह पर, तो ये आप बेवकूफी है, ये बेवकूफी हमारे है, ये अकल कसारी की जी कमी। क्या बोलते हैं कि आप कर्म कीजिए, फल का इंतजार नहीं कीजिए, वो अपने आप मिल जाता है। आप कर्म करते जाइए, वो फल अपने आप मिल जाता है। तो आप उतना कीजिए, आपको खुद उस जगह पर किसी न किसी दिन तो मिलेगा, आपको उस जगह आने के लिए मौका मिलेगा, आपके जरूर मिलेगा। आप में अगर टैलेंट है और नीयत अच्छी है तो यकीन जी, मानिए आप भी आगे अगर बढ़ेंगे। मेरा अचानक से इतना वायरल में हो गई, खेसारी जी से भी मिली और अचानक से उनका काम करने, उनके साथ काम करने को मौका भी मिल रहा है, तो मैं उनके लिए कभी गलत नहीं सोचती हूँ, सच्चा दिल से उनको मानती हूँ। तो भगवान ने मेरा प्रार्थना सुन ली है कि हाँ, ये लड़की सच में उसको मानती है, उसको उससे मिलाना जरूरी है बोल के। जी। तो अभी तो पूरा इंडिया और नेपाल दोनों ही जगह अब फेमस हो चुकी हैं। पहले नेपाल में जी फेमस थी, अब इंडिया में भी फेमस हैं आप। अब इंडिया के लोग आपको यहीं की मां, भोजपुरी इंडस्ट्री वाले तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री के मानने लगे हैं आपको। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको आगे? मतलब क्या कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि खेसारी जी के साथ भी मूवी तो करेंगे, उसके बाद का कुछ आगे का भी कुछ दिमाग में आ रहा है अभी, या वहीं तक सोचा आपने कि उसके बाद जो होगा देखा जाएगा? आज आपके लाइव में हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि मैं इस चीज में नई हूं, तो हमको उतना चीज भी पता नहीं है, लेकिन हम ये करना चाहते कि खेसारी जी के साथ काम करें, और जो भी काम करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं ऐसे वैसे इधर उधर, उन लोग को जवाब देना चाहती हूँ मैं, क्या चीज है ओके, खेसारी जी। आपने एक 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 अपने इंटरव्यू में बोला था, मेरे पास क्लिप आया था आज ही, कि जी? पवन सिंह के साथ आप काम करना चाहेंगी, ऐसा आपसे पूछा गया था। तो आपने बोला था कि मैं शायद नहीं करना चाहूंगी। ये मतलब एडिटिंग एडिट किया हुआ था या रियल था? वो रियल था, रियल था। जब मैं देखिए, मैं अपनी मम्मी पापा की बेटी हूँ, जब मेरे मम्मी पापा को अगला वाला पसंद नहीं है तो वो बोल दी, मेरी मम्मी बोली कि उसके घर मत जाओ तुम, वो अच्छी नहीं है, तो हम वहां पर दोबारा नहीं जा सकते ना।
तो हम खेसारी जी को भगवान मानते हो, उनको दुख चोट नहीं पहुंचाना चाहते, तो उनको उस चीज से दिक्कत है तो हम वो चीज नहीं करना चाहेंगे ना। अरे क्या बात है, क्या बात है। इतनी हिम्मत तो कोई जो इंडस्ट्री में काम करना चाहता है ना, किसी स्टार के बारे में ऐसा नहीं बोल पाता, लेकिन आप खेसारी जी की इतनी बड़ी फैन है कि आप कुछ भी कर सकती हैं। तो आपने कहा कि नहीं, मैं पवन सिंह के साथ काम नहीं करूंगी जी। आप बड़ा अमेजिंग फैन है खेसारी जी की, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही जबरा और सच्चा वाला फैन। तो सौम्या पोखरेल जी, हमारे दर्शकों के लिए, आप जो आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं दिन रात, आपके वीडियो को शेयर करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द बोलिए। उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम भी अभी एक गरीब घर के लड़की है और आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग अभी तक हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हमको सपोर्ट मिल रहा है आप लोग की तरफ से, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे और हमको ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देते रहिए कि हम भी किसी दिन नाम हो कि हाँ, सौम्या पोखरेल इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंची और हम भी शान से ये बोल सके कि हमको इतना सपोर्ट किए थे आप लोग कि आज मैं यहाँ पर हूँ। यही बोलूंगी कि आप लोग जी बहुत बहुत शुभकामना है आपको, आप इतना, बहुत आगे बढ़ेंगी हम जी, कभी बहुत आगे सोचे नहीं बढ़ेंगी। थे हमको कि इतना भी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि मैं अभी तक शुरू से मैं बहुत जल्द टिकटॉक में भी वायरल हो गई थी और किसी चीज में मैं कुछ भी काम करती हूँ तो बहुत जल्द हमको सपोर्ट मिल जाता, तो मेरे टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा गाली सुनते आ रही हूँ शुरू से। देखिए देखिए, जब लोग आपके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दे, आप समझ लेना कि आप तरक्की के रास्ते पे हो, आप ऊपर, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तभी लोग खींचेंगे टांग। आप आगे बढ़ोगे तभी ना खींचेंगे, आप जी, आगे ही नहीं बढ़ोगे तो लोग क्यों खींचेंगे आपको? आपका हाथ खींच के कोई आगे लेके नहीं जाएगा, लेकिन टांग खींच के पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तो वो लेकिन तब तक खींचते रहेंगे, तो वो तब तक खींचते रहेंगे जब तक आप आगे बढ़ने बढ़ रहे होगे। खींचना बंद कर दिया, आप समझ लो आपने बढ़ना भी छोड़ दिया, ये नियम है, ठीक है? तो जी आप उसका टेंशन ना लें, उसकी फिक्र ना करें, आप अपना आगे बढ़ते रहिए साधारण, और बढ़ेंगे आगे। हम तो एक एक चीज खेसारी जी से सीखते हैं, वो कैसे आगे बढ़े और अभी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। वो सोते नहीं है, बहुत लोग सो लेते हैं दिन भर और बोलते हैं हम ये कर लिए वो कर लिए, हम उनको यही बोलना चाहते हैं, अगर मेहनत बोला जाता है किस चीज को खेसारी, उस चीज को मेहनत सही बात है, किया उसको बोला जाता है मेहनत करना। वो सोते नहीं है, वो इंसान खाते भी वो उतना, हम देखे उनको वहां पर 3 घंटा में उनके साथ रही, अरे उनको देखी तो मेरे आंख में मेरा आंसू था और कुछ नहीं था, वो जब स्टेज पर प्रोग्राम दे रहे थे इतना मेहनत, उनका ये गला जब वो गा रहे थे तो मैं क्या बोलूं, कैसे बताऊं वो कि बहुत उनको देख मेहनती हैं, के वो मैं बहुत मेहनती हैं, उतना मेहनत कोई कर नहीं सकता। बहुत कम सोते हैं, सबसे ज्यादा गाना गाते हैं, सबसे ज्यादा मूवी करते हैं, दिन रात कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो अपने लिए बहुत ही कम टाइम निकाल पाते हैं सोने के लिए, बच्चों के साथ बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं, बहुत मेहनती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा मेहनती, ये बात सच है। वही है कि वो सबसे अलग है। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से मैं आज एक बात और बोलना चाहती हूँ कि अगर ठीक है वो टैटू की वजह से हमसे मिले, तो अगर कोई भी दूसरा स्टार होता ना उनकी जगह पर तो वो शायद हमको काम भी नहीं देते, मौका भी जी नहीं देते। वो एक जी 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 इंसान अब खेसारी जी है, जो हम एक बार उनसे पूछे तो वो उनसे कुछ चीज मांगे तो वो फट से निकाल के दे दिए, वो कोई नहीं कर सकता जो वो कर दिलदार दिए। आदमी, दल दिलदार जी हीरो जी जी, दिलदार स्टार खेसारी लाल यादव जी। इसलिए उनका हम फैन देखते हैं, किसी का पोस्टर फिल्म आता है ना, हम तो इतना जोर जोर से चिल्ला के बोलना चाहते हैं, किसी का फिल्म आता है आज तक तो पोस्टर में दूध से कोई नहीं नहलाता है, जी जी अभी तक पूरा हम लोग का यहाँ नेपाल में भी हम लोग देखेगा। मैं डरती हूँ उस चीज से कि पब्लिक में हंगामा ना हो जाए, अगर मेरा बस चले ना मैं क्या क्या कर दूँ पब्लिक। नहीं, अभी खेसारी जी को देख करके, अब आपने बोला ना कोई नहीं नहलाता है, तो अब हो सकता है कि आगे से कुछ अपने ही लोग स्टार के जा करके नहलवाएं, तो वो हो सकता है, पैसा दे करके करवाएं, ऐसा तो हो सकता है, जी लेकिन हाँ अभी तक तो ऐसा हाँ नहीं हाँ हुआ था। अब हम बोल दिए यहाँ पर तो वो अगला बार अब निकलने से पहले बोले कि तुम लोग भी नहला दो, तो ये दूसरा बात हो गया। लेकिन खेसारी जी का दिल से नहलाते हैं बहुत लोग, अभी से नहीं बहुत सही पहले से बात, हम देख रहे हैं ये चीज को।
सही बात है, हमको सही बात है। हमको जब कुछ भी होता है तो हमको जो किसी किसी का फैन होते हैं, दूसरा का फैन जो हमको भेजते हैं, वो सब चीज कुछ कुछ करते हैं वो लोग, तो हम डायरेक्ट उनको वो दूध वाला पोस्टर भेज देते हैं, दूध से जो नहलाते हैं वो वाला भेज देते हैं, वीडियो देखो ये, इतना तो कोई नहीं करता है ना, वो तो थोड़ा बहुत कर लिए, दूध से नहला के दिखाओ किसी ने नहलाया होगा आज तो। नहीं, अब नहलवा देंगे वो लोग भी, अब वो लोग भी नहलवाएंगे, आपने बोल दिया ना, अब पक्का नहलवाएंगे। हाँ तो जी ये जी जी चीटिंग हुआ ना, हम लोग अब बोल दिए दम नहलाएंगे तो हम लोग को पता चल ही जाएगा। जी 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 सो अभी बहुत ज्यादा लोग आते होंगे इंटरव्यू लेने के लिए आपसे, है ना? जी अभी बहुत ही आ रहे ज्यादा। हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सुबह से और हम कितना, यही सुबह से बोलना चाहते हैं, यहाँ ये रिकॉर्ड भी बहुत लोग कर रहे होंगे यहाँ पर लाइव, तो हमसे फालतू सवाल नहीं किया जाए कि उधर का इधर नहीं लिया जाए, आखिर सारे जी के लिए आप पूछने आ रहे तो उनका ही जरूर सवाल कीजिए, और सवाल नहीं कीजिएगा मेरे साथ, हम ये बोलने वाले थे लेकिन अब आप लोग मेरे सामने होते तो हमको थोड़ा कैसा अजीब सा, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते इसलिए नहीं बोलते हैं। जी। नहीं, चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा सपोर्ट रहेगा आपका, क्योंकि जो मुझे सच्चे लोग लगते हैं उनका सपोर्ट मैं हमेशा ही करता हूँ, तो हमेशा ही सपोर्ट रहेगा, और सारे ऑडियंस का सपोर्ट है आपकी तरफ। चिढ़ने वाले कम हैं, चाहने वाले ज्यादा हैं, तो परेशान नहीं जी होना है जी। जी आगे बढ़ते रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए, हम सब आपके साथ हैं जी। जी आप लोग हाँ साथ है तो जरूर आगे बढ़ेंगे हम। अरे यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हम एक बात और आपसे बोलना चाहते हैं, जानबूझ के वो सवाल हमसे किया जाता है यहाँ पर जब इंटरव्यू लेने जी आते हैं, देख रहे हैं कि इतना बड़ा यहाँ पर टैटू है, सबके सबके सामने वो लड़की लड़ रही है खेसारी खेसारी बोल के, तो दूसरा का सवाल आप क्यों बीच में ला देते हैं? सही बात है, सही बात है, सही वो बात है। उन लोग के लिए ये बोलूंगी कि वो नहीं लगेगा। ये ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं, इनको हर जगह जहां पर खेसारी का चर्चा होगा वहां पर जाकर के दूसरे स्टार का भीख मांगना है, दूसरे स्टार के लिए। इन लोगों का ऐसा ही है, ऐसा हाल कभी है, नहीं भीख मांगते। करेगी सोम्या, सोम्या वो मुझसे कभी नहीं निकालेगी, ये सबसे अलग है, एक लड़की हूं मैं लेकिन डरने वाली में से नहीं हूं कि हाँ इसको एक धमकी दिया जाए तो डर जाएगी, ऐसे नहीं है ये। जी, नहीं, डरना भी नहीं चाहिए, डर के क्यों, कोई क्यों जिए जी। जी नहीं, सो उम्मीद है कि आगे आप बहुत आगे जाने वाली हैं, ऐसा पूरा यकीन है हम लोगों को, तो करते रहिए, अपना वीडियो बनाते रहिए, और बहुत जल्द खेसारी जी के साथ भी आपका कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, हमें पूरा यकीन है। चाहे वो गाना गाना आए, चाहे मूवी आए, जिससे भी, और कुछ ना कुछ तो आएगा जल्द। लेकिन खेसारी जी ने जो आपको मशविरा दिया है, आपको जो बताया है कि डांस वांस, तो थोड़ा प्रैक्टिस आप अपना जारी नहीं रखिए, ताकि यार जल्द हम से जल्द। आप ये भी देखे होंगे कि इंटरव्यू लेने आए हो वहां पर एक दो सवाल कि आपको यकीन है खेसारी जी आपको काम देंगे, हम उन लोग को यहाँ जवाब देना चाहते हैं कि दूसरे लोग जैसे यहाँ से बोलने का ना वो मर्द है उनका भालू है बोली का, वो करते हैं जो बोलते हैं, हाँ अगर वो बोल दिए हैं, जबान दे दिए तो हैं, तो वो हाँ तो होगा। करेंगे हम यही बोलते हैं, वो उनको जब बोल दिए खेसारी जी जवान के पक्के वो बोले बोले हैं तो करेंगे जरूर, दूसरे लोग जैसे नहीं है कि हम ये कर दिए वो कर दिए लेकिन किए नहीं होते। जी, नहीं, सही है, तो ठीक है। आपसे इसको, लाइव को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारा सवाल आपसे कर लिया, और लाइव बहुत ही लंबा हो गया है। जी इसको मैं यूट्यूब पर ठीक भी अभी अपलोड करूंगा, भोजीवुड एंटरटेनमेंट पर। तो अभी के लिए इतना ही, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, लाइव में आप जुड़े, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद आपको। आपको भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और सब यहाँ जितने भी हैं हमको सपोर्ट कर रहे हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और आने वाले दिन में देखिए क्या क्या होता है। होगा, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक आपको, जी थैंक यू सो मच, एंड ठीक है। बाय।